हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके साइंस के सिक्स चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज सबसे पहले हम चार टॉपिक कवर करेंगे। पहला, हीट क्या होता है। दूसरा, हीट के कौन कौन से सोर्सेस हैं। तीसरा, हीट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और चौथा जो टॉपिक है वो फ्लो ऑफ हीट, यानी जो ऊष्मा होती है उसका प्रवाह किधर की से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हीट यानी ऊष्मा क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। हीट कैन बी फेल्ट ही बट कैन नॉट बी सीन, यानी जो आपका ऊष्मा है, हीट है, वो एनर्जी का ही एक रूप है। एनर्जी यानी ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन हीट को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इट कॉजेज द फेलिंग हॉटनेस और कोल्डनेस, और इसी के कारण यानी ऊष्मा यानी हीट के कारण ही हमें गर्माहट और ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, अगर हीट ज़्यादा होती है तो हमें गर्माहट महसूस होती है, और हीट कम होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इन विंटर यानी ठंडियों में वी सिट ऑन द सन और नियरर द हीट वी एंड फील वार्म। जब आप ठंड में आप किसी हीटर के सामने या सूर्य की रोशनी में बैठते हो, ठीक है, सूर्य की लाइट में, तो आपको गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, और इसी हमारा शरीर जो हीट सन या हीटर से जो ये ऊष्मा रिसीव करता है, यानी ये हीट रिसीव करता है, प्राप्त करता है, इसी के कारण जो है हमें गर्माहट महसूस होती है। बट वी आर नॉट एबल टू सी, परंतु इस ऊष्मा को हम महसूस तो कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अब हम जानते हैं, आइए जानते हैं कि ये जो हीट है यानी ऊष्मा है, इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें ये ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप देखोगे ये एक साइकिल बनी हुई है। इस साइकिल में क्या है, आपको अलग अलग सोर्सेस बताए गए हैं। जैसे पहला साइकिल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन कोल्ड वेदर इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड्स हीट इलेक्ट्रिसिटी हीट अप द फिलामेंट विद द विच एमिट्स हीट। आप ठंडी में देखोगे आपके घर में एक हीटर होता है, आप उसमें जब बिजली के प्लग जब उसको उसमें क्या बोलते हो उसे शॉकेट में लगाते हो प्लग को, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है। और जो आपका हीटर होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, वो फिलामेंट उस हीट के गर्माहट के कारण गर्म हो जाते हैं, उसमें क्या निकलने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है, हीट निकलने लगती है, और उसके पास बैठ के हमें क्या लगती है, गर्माहट महसूस होती है। इस तरह दूसरा सोर्स क्या है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट फॉर ऑल लिविंग बींग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऊष्मा का जितना भी सोर्स है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, वो सन है, सूर्य है, यानी ऊष्मा से सन से ही सभी सोर्स को यानी ऊर्जा का मेन सोर्स है, जिससे सारे जो जितनी भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं वो सभी डेवलप होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे हैं अदर सोर्सेज ऑफ हीटर। दूसरे और कौन से सोर्सेज हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी फटता है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल जब आप कोई ईंधन जलाते हो, या कोई आप एक्सप्लोजन करते हो, कोई बम या पटाखा फोड़ते हो, उससे भी क्या निकलता है, हीट प्राप्त होती हो है। इसके अलावा हीट जो है वो फ्रिक्शन से भी प्राप्त होती है। फ्रिक्शन एक क्रिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन एक प्रकार की बल है, उस बल है, फोर्स है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। जब आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, उसमें हीट निकलने लगती है। इसी तरह जब आप मैच स्टिक को क्या करते हो, उसको मैच स्टिक मैच बॉक्स पे रगड़ते हो तो उससे आग निकलती है। ठीक है, व्हेन स्टक रगड़ते हो तो उससे आग निकलती है। और ये सब क्यों को होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। जब आप हाथों को रगड़ते हो, मैच स्टिक को मैच बॉक्स से रगड़ते हो, तो उससे क्या होता है, घिसाव पैदा होता है, और घिसाव से हीट पैदा होती है, आग पैदा होती है। ठीक है, और इस तरह से हीट को पैदा करने का एक सोर्स क्या है, फ्रिक्शन भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो ईंधन होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, कुकिंग गैस, इनको चलाने से भी हमें क्या मिलती है, हीट की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अभी तक हम लोगों ने हीट क्या होता है और हीट के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं उनके बारे में
पढ़ा। आइए अब हम जानते हैं कि हीट के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हीट हैज़ नो शेप, नो मास, नो कलर, नो ऑर्डर, नो वैल्यू एंड नो वेट। जो ऊष्मा होता है उसका ना तो कोई आकार होता है, ना तो उसका द्रव्यमान होता है, ना उसका कोई रंग होता है, ना उसका कोई महक होती है, ना उसका कोई वैल्यूम होता है, ना उसका कोई वेट होता है। ठीक है, पहला इसका गुण ये है। दूसरा गुण क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हीट इज़ फेल्ट ओनली थ्रू द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन मैटर। यानी जो हीट की उपस्थिति है वो इज़ फेल्ट ओनली थ्रू द इट्स इफेक्ट ऑन द मैटर। ये जब मैटर को इफेक्ट किया जाता है तभी ये हीट की उपस्थिति हमें महसूस होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हीट कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और इसका जो प्रवाह है वो सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और इसका जो प्रवाह है वो सभी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में आप बॉडी को रखोगे तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगला है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। जो एनर्जी के दूसरे रूप होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो हीट एनर्जी में बदल जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ऑन बर्निंग ए कैंडल, जब आप एक कैंडल को जलाते हो तो कैंडल क्या होता है, कैंडल में केमिकल्स से बना होता है। ठीक है, और उसमें केमिकल एनर्जी होती है। तो जब आप उसको जलाते हो तो आप देखते हो क्या होता है, वो जो आपका मोमबत्ती होता है उसमें जो केमिकल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में, मतलब वो जो है केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ साथ में उसमें लाइट एनर्जी भी निकलती हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं अपने चौथे टॉपिक, फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट का प्रवाह, यानी ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। देखो, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होता है। यानी जिसमें हीट नहीं होगी या हीट कम होगी, और जिसमें हीट ज़्यादा होगी, तो जिसमें हीट ज़्यादा होगी या जिसमें जो चीज़ हीटेड होगी वो कम हीटेड को की तरफ अपने हीट को फ्लो करेगी। ठीक है, कभी आप देखना, अगर आप क्या नाम है, अगर आप ध्यान देना कि अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, और उसमें चम्मच डाल दो, चम्मच पकड़ के हाथ में रखो, तो आप देखना क्या होता है, आपका वो जो चम्मच है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि जो पानी है वो गर्म है, उसमें हीट है, और वो हीट उस स्पून के माध्यम से आपके हाथों तक पहुंच गया। इसी तरह अगर आप रॉड को आग में पकड़ के रखो, ठीक है, तो आप देखोगे रॉड का एक सिरा जब गर्म होता है तो दूसरा सिरा भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट है वो उस सिरे से उस सिरे में हीट की मात्रा ज़्यादा हो गई और वो कम मात्रा वाले हीट की तरफ फ्लो करने लगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है वो उसमें यही बातें आपको बताई गई हैं। ठीक है, कि मिक्सिंग शुगर इन हॉट मिल्क मेक्स द स्पून वार्म। जब आप गर्म दूध में शक्कर मिक्स करते हो तो स्पून हमारी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज व्हेन द स्पून कम्स इन कॉन्टेक्ट हॉट मिल्क। क्योंकि जब ठंडी स्पून जो होती है वो गर्म मिल्क के कॉन्टेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो जो हीट होती है वो गर्म शरीर से गर्म बॉडी से जो है कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करने लगती है और हमारा जो स्पून है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह के बाकी के दो भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमारा जो है, आज हम लोगों ने चार टॉपिक कवर किए, हीट, सोर्स ऑफ हीट, और करैक्टरिस्टिक, और हीट का फ्लो, इनके बारे में पढ़ा। आप भी घर पे इसे अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।